ये से रूपा जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का दिसंबर वादा देख रहे हैं कि आज भी 6600 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है, आधे फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से हाजिर के अंदर हमने सोयाबीन को तेज होते हुए देखा है, प्लांटों में भाव तेजी से बोले जा रहे हैं, किसानों ने सोयाबीन को होल्ड करके रखा हुआ है, और विदेशों में सोयाबीन के जो सब्सिट्यूट्स हैं जैसे कि गेहूं हुआ, मक्का हुआ, उनकी कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सोयाबीन का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, और उसी का असर दे है कि हम घरेलू वायदा में भी आता हुआ देख रहे हैं, तो क्या हाजिर में तेजी की वजह से वायदा में भी कुछ कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन बढ़ गई है? देखिए, अभी बिल्कुल जो फंडामेंटल दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सोयाबीन को ऊपर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सोयाबीन के साथ साथ अगर आप देखेंगे डीओसी की भी मांग बढ़ रही है और अदर जो एडिबल ऑयल पैक है उनकी एक बार फिर से डिमांड जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। प्राइजेस में सुधार आ रहा है, सोयाबीन हो, सोयाबीन दाना हो, अगर मंडियों की बात करें तो लूज में भी इसके भाव में तेजी देखने को मिली है। दरअसल मांग जो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है, आवक उसके कंपेरिजन में जो है वो एक्सपेक्ट है कि कम है, तो इस वजह से कीमतों में तेजी है। ना केवल सोयाबीन उछलता दिखाई दे रही है, इसका इंपैक्ट जो है आपको बिनोला के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो बिनोला के जो पिछले साल तक इस समय तक जो आवके थी वो 90 लाख गांठ के आसपास थी, जो इस साल घटकर 50 लाख गांठ रह गई है। इस वजह से एक्सपेक्ट है कि बिनोला भी तेज हो सकता है, और सोयाबीन तो ऑलरेडी तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री की तरफ से भी एक बार जो है वो कहा जा रहा है कि इंपोर्ट को बढ़ा दिया जाए, सोया केक के उसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि प्राइजेस को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी प्राइजेस तेजी की तरफ है और आगे भी बाजार जो है वो तेजी में ही जाता हुआ दिखाई दे सकता है। प्राइजेस की बात करें तो प्राइजेस में अभी बूस्ट अप आ सकता है करंट लेवल से भी, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक बार अगर ये प्राइजेस 7000 के ऊपर निकल जाते हैं तो वापिस से आपको इसमें लंबी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि इसको 8000 तक ले जा सकती है। तो फिलहाल के लिए जो सोयाबीन है वो तेजी की तरफ ही, जब भी करेक्शन आई इसमें बाइंग की जो है वो रणनीति बनाया जा सकता है, क्योंकि प्राइजेस अभी तेज नजर आ रहे हैं और दिसंबर वायदा में बाय करने की बजाय जनवरी वायदा में पोजीशन बनाई जाए तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है। 7000 के ऊपर निकलता है तो आपको 8000 तक के भी स्तर इसमें देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि जिस हिसाब से अभी जो फंडामेंटल और सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है सोयाबीन के लिए, वो काफी ज्यादा सकारात्मक है, पॉजिटिव है, किसानों के लिए अच्छी खबर लेकर आ रही है सोयाबीन लगातार, और ये किसानों की ही मेहनत है जो उन्होंने जो अब स्टॉक करके सोयाबीन को रखा हुआ है, तो वो अभी और थोड़ा स्टॉक करके रखें, अभी कीमतें और अच्छी बनती हुई मिलती हुई नज़र आ सकती हैं। अगर 7000 के ऊपर सोयाबीन जाती है तो 8000 के भी लेवल सोयाबीन की कीमतों में देखने को मिल पाएंगे, क्योंकि विदेशों में भी सोयाबीन की कीमतों में तेजी है, विदेशों में सोयाबीन का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और ब्राज़ील में सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। वहीं बात करें अर्जेंटीना की, जो काफ़ी बड़ा निर्यातक देश है सोयाबीन का, अगर वहाँ पे इस बार भी लगातार बारिश होने से सोयाबीन की जो फसलें हैं खराब होती नज़र आ सकती हैं, तो विदेशों में सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित होने से जो सोयाबीन की जो मांग है वो तो उतनी ही है, लेकिन प्रोडक्शन थोड़ा कम रह सकता है, जिसकी वजह से सोयाबीन की जो डिमांड है और सप्लाई है उसमें अंतर गहरा सकता है और कीमतों में एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल रुझान रूपा जी की तरफ से सोयाबीन में तेजी का ही रहेगा।